नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं अपना चैनल एआर के किसान। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अगेती में कौन सी नर्सरी डालें जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो, फरवरी मास तक आप अच्छा पैसा कमा लें। तो उसके लिए हमने कुछ फसलें चुनी हैं जो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि सारा खेला 10-15 दिन का होता है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि अभी 10-15 दिन पहले टमाटर का रेट 600 रुपये कैरेट था, आज 150 से 200 रुपये कैरेट बिक रहा है, तो आप यही समझ सकते हैं कि 10 से 15 दिन में 2-3 गुना अंतर आ गया। जहां 100 कैरेट 60,000 रुपये जा रहा था, आज वही 15 से 20,000 रुपये जा रहा है, तो 4 गुना लगभग रेट कम हो गया है। तो आप अभी थोड़ा मेहनत करके, एफर्ट करके नर्सरी डाल लें और आप 1 महीने बाद उसको अपने खेत में लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 10-15 दिन में सारा रेट हो जाता है। तो जैसे अगर हम दिसंबर छोड़ दें, जनवरी में अपने फसल लगाएंगे, डायरेक्ट अपने खेत में बुआई करेंगे, तो 1 महीना जो होता है ये नर्सरी वाला, वो और एडवांस रहेगा आपके पास। अगर नर्सरी डाल रहे हैं कोकोपीट और गोबर को मिक्स करके, चाहे आप प्रोट्रेम डाल लें, या अगर आपको डालना है तो पन्नी में डाल सकते हैं। तो पन्नी में डालकर आप एक बढ़िया सेट बनाकर उसमें रख दें 1 महीने के लिए, तो आपका नर्सरी तैयार हो जाएगी। और ठंडी जब जैसे थोड़ा कम हुई, उसके बाद आप अपने खेत में लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बुआई करेंगे तो वही मार्च अप्रैल में आपकी फसल जाएगी, तो मार्च अप्रैल में सब्जियों का रेट बहुत कम रहता है। तो अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ करें, हम आपको हर गाइडलाइन देते रहेंगे, क्योंकि हम अपने खेत में जो खेती करते हैं, जिसकी जानकारी है, उसी को हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कब करें, कब कैसे करें, जिससे आपको पैसा बने। तो आज हमने इस वीडियो में 3-4 प्रमुख सब्जियाँ ली है जिनकी हम नर्सरी डालने वाले हैं। 15 तारीख को हम नर्सरी डालेंगे, उसकी वीडियो हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सा वैरायटी लिया है और कैसे नर्सरी डाल रहे हैं। तो 2-3 फसलें प्रमुख हैं जिसमें हमने लिया है, लौकी लिया है, करेला है, और उसके साथ ये नेनुआ होता है, तरोई है, और एक लेंगे हम खीरा लेंगे। तो मेरा टारगेट लगभग 4 एकड़ का है, 15 से 16 बीघा मुझे लगाना है, तो उसका टारगेट हम बनाकर चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से नर्सरी डालेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी लिया है और कैसी करनी है। तो अगर आप 2-3 महीने में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रेडी हो जाएं और हम बताएंगे आपको कौन सी वैरायटी है और कैसे नर्सरी डालनी है। आप डालें अपने खेत में और अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आप अभी अगर नर्सरी डाल रहे हैं, चाहे प्रोट्रेम डाल रहे हैं और चाहे पॉलीथीन में डाल रहे हैं, तो उसी से आपको मुनाफा होने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इधर डालेंगे 15 दिसंबर तक डाल देंगे, तो वो 15 जनवरी तक आपके खेत में लगने लायक हो जाएगा। तो 15 जनवरी को आप लगाएंगे तो 15 फरवरी या 20 से 25 फरवरी तक आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इन फसलों की, क्योंकि ये फसल बहुत हाईटेक होती हैं, जो इस समय बीज आ रहे हैं बहुत हाईटेक हैं, तो ये आपको 40 दिन में लगभग फल देने लगेंगे। तो फरवरी मार्च में सब्जियों का अच्छा रेट रहता है। तो अगर अप्रैल मई में जाएंगे तो सारे किसानों की सब्जियां निकलने लगेगी जिन्होंने डायरेक्ट बुआई की है। तो अगर जब सारे किसानों की सब्जियां निकलेगी, तो उस समय रेट नहीं मिलेगा, वही समस्या हो जाएगी रेट वाला, क्योंकि ये फसल में काफ़ी पैसा लगता है, और जब हमें रेट नहीं मिलता है तो हमारा जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती है। तो हम थोड़ा कोशिश यही करें कि थोड़ा तकनीक का प्रयोग करें, थोड़ा दिमाग लगाएँ और अगेती में हम तैयार करें। अगेती में अगर आप हम तैयार करेंगे तभी हम पैसा पाएंगे। तो ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर, और आप हमसे जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।